हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इंडस एचवीएसी सर्विसेज। मैं सदाबड़ो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में कंप्रेसर किस तरह वर्किंग करता है और कंप्रेसर को कटआउट करने जा रहे हैं, कंप्रेसर का इंटरनल व्यू आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत सारे व्यूअर्स मुझे मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, सर कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग के बारे में बता दीजिए। तो आइए कंप्रेसर को कटआउट करते हैं। बेबी ग्राइंडर की मदद से कंप्रेसर को कटआउट किया जा रहा है। कॉलर के निशान से कटिंग की जा रही है। कंप्रेसर कटआउट हो चुका है। ये इंटरनल व्यू आप देख रहे हैं, स्टेटर और रूटर। कंप्रेसर के लॉक निकाल लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए। कंप्रेसर को बाहर खोल लेते हैं। ये ओवरलोड है कंप्रेसर का। टर्मिनल हेड, ये स्टेटर है जिसको हम वाइंडिंग कहते हैं, कॉयल। ये सेक्शन पोर्ट है कंप्रेसर का, यहाँ से सेक्शन करता है। और ये जो आप देख रहे हैं ट्यूब, ये डिस्चार्ज का ट्यूब है। और इसके अंदर पिस्टन होते हैं, पिस्टन के ज़रिए ये प्रेशर डेवलप करता है। ये डिस्चार्ज कलेक्ट होता है कंप्रेसर के कवर से। ये रूटर है कंप्रेसर का, इसकी मदद से पिस्टन वर्क करते हैं। ये हेड है, हेड कहलाता है ये। आइए हेड खोल लेते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं ये पिस्टन किस तरह वर्किंग करते हैं कंप्रेसर में और प्रेशर किस तरह बनता है। हेड खोल लिया है मैंने। ये गैसकेट है हेड की। ये लॉक भी निकाल लेते हैं, पिने और लॉक लाख है। ये वॉल प्लेट कहलाती है दोस्तों, जो मैं अभी निकालने जा रहा हूँ। ये वॉल प्लेट है, हेड की वॉल प्लेट कहलाई जाती है, जो पिस्टन्स के ऊपर दी जाती है। ये पिन है इसकी, गैसकेट है, और ये लाख है इसके। ये वॉल प्लेट है। ये आप पिस्टन देख रहे हैं व्यूअर्स, ये रूटर की मदद से अप डाउन करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ताकि आप समझ सकेंगे प्रेशर किस तरह डेवलप करता है। तो आइए इसका स्टेटर निकाल लेता हूँ मैं। ये रूटर है कंप्रेसर का। जब स्टेटर वर्क करता है तो रूटर जब रनिंग में आता है तो जब भी ये काम करते हैं। ये कॉयल है जिसको हम वाइंडिंग कॉयल भी कहते हैं और स्टेटर भी कहते हैं, जो ओवरलोड उसका। तो आइए इसका बुश भी खोल के दिखा देता हूँ मैं। क्रेन शाफ्ट के नीचे बुश दिया हुआ होता है और ये सपोर्ट होती है इसकी लेवल करने की। ये बुश कहलाता है दोस्तों, ये बुश प्लेट होती है, प्लेट के साथ बुश कनेक्ट होता है। तो बुश भी खोल के दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको, और ये किस तरह कनेक्टिंग शाफ्ट के ऊपर ये लेवल किया गया है। बुश खोल लेता हूँ मैं, बुश प्लेट कहलाती है। बोल्ट खोल लेते हैं। रूटर को आप घुमाएंगे तो ये बुश बाहर आ जाएगा। बुश बाहर आ चुका है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर पिस्टन। ये पिस्टन इसके वर्किंग कर रही है, कनेक्टिंग शाफ्ट है जी। क्रेन शाफ्ट की मदद से कनेक्टिंग शाफ्ट पे पिस्टन वर्क कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको पिस्टन किस तरह होते हैं और कनेक्टिंग शाफ्ट और क्रेन शाफ्ट क्या होती है। तो आइए मैं इसको खोल लेता हूँ, इसका रूटर क्रेन शाफ्ट बाहर कर लेता हूँ। पूरा कंप्रेसर खुल चुका है व्यूअर्स, और बहुत ही खूबसूरती से खोला गया है। ये पिस्टन बाहर आ चुके हैं, दोनों पिस्टन बाहर आ चुके हैं। तमाम बोल्ट्स और तमाम कंप्रेसर का सामान एक साथ दिखा रहा हूँ मैं आपको। कंप्रेसर के कवर, डोम कहते हैं जिसको, बॉडी। कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग, ये रूटर है कंप्रेसर का। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू।